हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HP48 ब्लॉग्स। तो आज संडे है और घर पर ही हूँ मैं। तो इधर भी अपने आज स्नोफॉल चल रहा है और स्नोफॉल के साथ में हम लोग कर रहे हैं फुल मस्ती, प्रॉपर बढ़िया मस्ती चल रही है। और ये हमारे ब्लॉगर निशांची बने हुए हैं, बंदूक के चलाने की प्रैक्टिस चल रही है और वो सामने ये नया तरीका खोज निकाला है इन्होंने। तो बोतल, वो छोटी सी बोतल और ये मिस स्नोफॉल, बहुत तगड़ा स्नोफॉल चल रहा है, फुल ऑन मजे चल रहे हैं। तो ये है हमारे पिंकू रॉय, ये अभी फोड़ रहे हैं बोतल। तो चल रहा है सब कुछ बढ़िया, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं भाई अपने टारगेट से। और ये भी मिस होता हुआ ये। तो ये जो बोतलें यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी गिरी हुई पड़ी हुई फटी हुई दिख रही है, ये सारे निशाने मैंने लगाए हैं और एक आधा इन लोगों का लग गया गलती से, बाकी सारी शूटिंग भाई ने की है। तो सुपर मौज मजेदार सब कुछ चल रहा है, बर्फबारी काफी जमाने बाद बर्फबारी का मजा लेते हुए। लास्ट उस दिन बर्फबारी चल रही थी जिस दिन मैं ऊपर क्या बोलते हैं जुम्हार गया था, उस दिन भी बर्फबारी बढ़िया थी, पर इस तरफ उस दिन स्नोफॉल नहीं हुआ था, इस वाली तरफ तो फिलहाल काफी तगड़ा चल रहा है आज। और ये भाई साहब ने पहले बोल दिया कि नहीं लगेगा निशाना, नहीं लगेगा क्योंकि जब बर्फ गिर रही है तो निशाने का जो है फोकस इधर उधर हो रहा है, बहुत मुश्किल है। कहाँ से आते हैं भाई साहब, इतना टाइम टारगेट पे। और ये बोतल उड़ा दी गई है, या बोतल प्लेयर दो की केली के साथ पीके अघोरी तीन बार। तो तीन बार इन्होंने बोतल गिराई है और बाकी पांच में से तीन बार और मैंने वो हमारे आज के पबजी एक में से एक बार उड़ाई है। तो सब बढ़िया, सब कुछ तगड़ा, ये मजे फुल ऑन मजे। और ये रखे हुए हैं हमने कैमरे छाते के नीचे, बैग, और यहाँ पर खुद भीगते हुए आनंद लेते हुए बर्फ का। तो इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं आज करें कैंपिंग। जय। तो भाई साहब जोश काफी आ चुका है, भाई को भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो सब कुछ बढ़िया मजे कर रहे हैं हम। तो आज देखते हैं कि कैंपिंग का क्या सीन बनता है, हो सकता है बर्फबारी चल रही हो और हम लोग यहीं कहीं आसपास कैंप करें तो वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि लाइव बर्फ कैंपिंग भाई क्या ही मजे। तो गोप्रो पर आगे गिर चुकी है बर्फ की बूंद जो हटाई नहीं है, मैंने दिल नहीं कर रहा है हटाने को। और ये हमारी बंदूक उजी, छोटी सी उजी विक्टर भी बोल सकते हैं और UMP9 भी बोल सकते हैं, ये छोटी सी एयर गन है। तो इसे हम फोड़ रहे हैं अभी बोतलें। तो आसपास सभी तरफ आप देख सकते हो बर्फ ही बर्फ, और फिलहाल तो बर्फ कम दिख रही है, धुंध ज्यादा दिख रही है। एक्चुअली बर्फ गिर रही है तो उस वजह से ज्यादा धुंध है, आसपास पहाड़ दिख नहीं पा रहे हैं और पहाड़ आसपास वाले भर चुके हैं पूरे बर्फ से। और ये थोड़ा एरिया नीचे का एरिया है तो यहाँ पर बर्फ उतनी ज्यादा गिरती नहीं है, ये अभी गिर रही है जो, इससे अगर मतलब आज सारी रात अगर स्नोफॉल होता रहा तो रात सवेरे तक तो ठीक ही बर्फ हो जाएगी, और अगर रुक गई बीच में तो ये जो है बस उतना है, इससे ज़्यादा ना हो पाएगा। पर चलो बढ़िया है, मज़े आ रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप छाता हमारा, और यहाँ पे फायरिंग हो रही है, ये दोबारा ये हम हैं और ये हमारी UMP9 है और यहाँ पे फायरिंग हो रही है ये। तो फुल ऑन मस्ती चल रही है,
ननोटा में तो यहाँ पर पहले हम लोग कोई टाइम था, यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। दिन क्या वो दिन थे, तो पुराना टाइम। पर फिलहाल भी सब बढ़िया चल रहा है, क्रिकेट तो खेले हुए जमाना ही हो गया। पर आज वही पुरानी अपनी जहाँ पर बचपन में इतना टाइम बिताया करते थे, वहाँ आ जाकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो स्नोफॉल अभी थोड़ी थोड़ी धुंध हट रही है, तो वो आप देख सकते हो उस वाली तरफ बर्फ 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 चारों तरफ बर्फ। ओ दोस्तों, आज मंडे है और दिन आज का भी बर्बाद हो गया है सारा, क्योंकि मॉर्निंग से बारिश लगी हुई थी पर अभी बारिश रुक चुकी है और मैं अभी घर से बाहर ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ जंगलों वाली तरफ। तो ये है अपने गांव का जंगल और वो नीचे दिख रहा है गांव, और अभी भी धुंध है काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई। और बाकी आप आसपास अभी क्या ही दिखाऊं आपको कि चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद धुंधी दिख रही है और कुछ नहीं दिख पा रहा है। तो काम कुछ था नहीं, बारिश में काम क्या ही रहेगा, तो धुंध में खाम खा बस टाइम पास ऐसे। अभी बारिश रुकी है तो निकला घर से, नहीं तो मॉर्निंग से अभी तक घर पर ही बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर बारिश रुकी है तो देखते हैं, टाइम पास करते हैं। बाकी दोस्तों को बुलाया मैंने, देखते हैं कौन कौन आता है। ये जो नीचे गांव दिख रहा है ये है मेरा गांव, और यहाँ से दिख नहीं पा रहा है क्योंकि मैं ऊपर हूँ, काफ़ी आ गया हुआ गांव से ऊपर की तरफ यहाँ जंगलों में। तो यहाँ जंगलों में ये है कि टाइम पास के लिए बहुत बढ़िया है, शांति है, आराम से आप बैठ सकते हो शांतिमय माहौल में। तो बस वही मैं अभी देख रहा हूँ और कौन कौन आता है, तो बाकी भाई आएंगे अपने, तो उसके बाद बैठते हैं इवनिंग तक बातें उतें करेंगे, टाइम पास करेंगे, एंड फिर अगर बारिश वगैरह लगती है तो चले जाएंगे घर की तरफ। बाकी धुंध खुलती है तो आपको दिखाता हूँ मैं आसपास का यहाँ से व्यू। और बर्फ़ जो आसपास दिख रही थी कल, वो अभी सारी पिघल चुकी है क्योंकि रात के टाइम स्नोफॉल बंद हो गया था और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बारिश की वजह से सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। वो सामने उस तरफ वो धुंध के बीच में ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही है, बाकी कहीं बर्फ़ नहीं है आसपास। अभी हम लोग ऐसे ही टाइम पास करेंगे, दिन बर्बाद हो गया, बाकी अब जो बच रहा है वो भी बर्बाद करेंगे। तो आसपास हल्की हल्की सी धुंध खुली है और आया कोई नहीं है अभी तक, अकेले ही मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, घूम रहा हूँ यहाँ से वहाँ। तो थोड़ी थोड़ी धुंध खुली है तो पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ़ का नज़ारा दिख रहा है, और ये जंगल हमारे गांव का, मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी है यहाँ की भी, क्योंकि बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो यहाँ ये वाले जंगलों में हम लोग आते थे, अपने गाय वगैरह लेकर गाय चराते थे यहाँ छोटे छोटे, मतलब हम लोग जो भी अपनी एज के जो भी लड़के हुआ करते थे, तो सभी हम लोग टाइम टाइम की बात है तो यहाँ पर गाय वगैरह चराया करते थे इन जंगलों में। और अभी आज बहुत दिनों बाद इस तरफ आने का मौका मिला है, क्योंकि काम धंधा कुछ था नहीं, फुल डे फ्री था घर पर, तो बहुत दिन बाद इस तरफ आया हूँ। तो ये जंगल आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग गाय वगैरह चराते थे और ऐसी ही कहीं जगहों पर कंचे वगैरह खेला करते होते थे, तो वो भी दिन थे बचपन के टाइम, बचपन के दिन। अभी तो बस वो यादें ही है, बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी मैं वही
यादें रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ घूम घूम के, और कुछ वो टाइम था और सुपर यादें वो थी, तो वो याद करके दिल खुश होता हो जाता है। तो अभी यहाँ पर अभी भी कोई वहाँ पे बकरियाँ मेमने मैमे कर रहे हैं, और वो सामने की तरफ भी बकरियाँ वगैरह लोग चरा रहे हैं, और मैं कर रहा हूँ टाइम पास। तो बढ़िया से दिन ऑलमोस्ट निकल ही गया है, बीच बीच में धुंध खुल रही है, धुंध आ रही है, देख सकते हो आप चारों तरफ, बस थोड़े से दूर तक नज़र आ रहा है, बाकी तो धुंध ही धुंध। और हाँ, वो उस वाली तरफ ऊपर काफ़ी बर्फ़ है अभी, बट जा नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका है और अकेले हूँ मैं, अकेले दिल नहीं करता ऐसे दूर जाने का, कोई बात करने को अगर साथ में हो तो बंदा फिर भी हिम्मत रख लेता है, हिम्मत कर लेता है कि चलो चलते हैं, बट चलो मज़े कर रहे हैं हम अकेले ही घूम घूम के। तो आज का दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा, होप कि कल मौसम क्लीन रहे तो कल फिर से काम पर, वही रूटीन। और वो उस तरफ बर्फ, उस तरफ तो काफ़ी तगड़ी बर्फ़ है, देखते हैं संडे तक कहीं ना कहीं बर्फ़ का एक और टूर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी ब्लॉग, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो थोड़ी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट हम संडे को अगर वेदर बढ़िया रहा तो कहीं बढ़िया जगह जाएंगे, तो वो आपको दिखाएंगे बर्फ़ वगैरह सब कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप देख लो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।